सत श्री अकाल, मैं हूं आपका अपना बैकपैकर प्रदीप। और आज आपको लेके आया हूं मैं नागालैंड के विकेट टाउन में। विकेट टाउन ये बोटा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और सर अभी हमें लेके जा रहे हैं यहां के खेत दिखाने के लिए, तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूं यहां पर खेती कैसे हो। तो आज यहां का जो खेत है उसे देखेंगे क्या बोते हैं ये लोग। और वो पीछे आ रहे हैं भाई। तो ऐसा कुछ यहाँ से नज़ारा है और ऐसा रास्ता है। तो यहाँ पे भी बाइक लेके निकल चुके हमारे सुमेश भाई। तो आप देख सकते हो गाइज कि यहाँ जो अभी लेडीज़ हैं सफाई कर रही हैं इस एरिया की, उसके बाद यहाँ पर बीज बोया जाएगा। ये आप क्या लगा रहे? कुच्चू। कुच्चू? तो गाइज इसे कुच्चू बोलते हैं यहाँ पे अपनी साइड। यहाँ पे तो आई बोलेगा, आई आई। ओके। और शायद अपन जो हरियाणा की साइड में इसे शायद अरबी बोलते हैं। ओके। जब एक ये बोने के बाद जब ये निकलते हैं ना, तब 20-25 एक उस पेड़ से निकलता है, पौधे से निकलता है। और कौन कौन सी खेती करते हो आप यहाँ? खेती का, सब्जी का। और कौन कौन सी सब्जी? वो तो पंपिंग बोलता है ना, पंपिंग। ओके। वो और केरला, खीरा। केरला। ओके। मिर्चा। और प्याज, हम लोग का नागालैंड का वाला छोटा वाला प्याज। वो प्याज। ओके। और कीरा, खीरा, मकई, करेला, मकई। ओके। लगभग सभी सब्जी होती है। सब्जी होती है। ओके। और इसमें गेहूं वगैरह तो यहाँ उगता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ तो नहीं चलता है। ओके ओके। धान उगता है? धान। ओके ओके। सो भाई जी, है यहाँ बीन्स और यहाँ पर उगाए जाते हैं कुछ यहाँ की जो लोकल प्याज होती है। तो ये यहाँ की जो लोकल प्याज है, ये देखिए, ये देखिए। ओके। ये क्या है? मिर्चा। ओके ओके। ये है मिर्च। तो यहाँ पर मतलब लगभग। और ये क्या है? मकई। मकई। ओके ओके। ये मक्का है यहाँ पे। तो यहाँ पर है ना मिक्स खेती होती है सब कुछ, मक्का, बीन्स, प्याज, धान, खीरा, करेला। मतलब इस पूरे एरिया में अलग अलग आपको हर जगह अलग अलग खेती मिलेगी, अलग अलग फसल मिलेगी, या तो सब्जी या फिर धान। तो उधर की साइड तो धान लगा रहे हैं और यहाँ पर इन्होंने अभी लगा चुके हैं। खेती होती है यहाँ पे और इस कुछ इस तरीके से यहाँ पे खेती करते हैं। इस खेती को बोलते हैं झूम खेती। और ये झूम खेती होती है ना, ये जब इस पूरे मतलब जितना भी एरिया खेती के लिए यूज़ करना चाहते हैं उस एरिया को, यह पेड़ पौधों को काट कर और करीब 3-4 महीने का ये प्रोसेस होता है। पहले यहाँ पर पेड़ पौधों को काटेंगे और उसके बाद यहाँ पर सफाई की जाएगी और आग लगाई जाएगी और उसके बाद यहाँ पर खेती स्टार्ट की जाएगी। साल में करीब एक साल यहाँ पर खेती होती है, उसके बाद ये शिफ्ट हो जाते हैं किसी दूसरी जगह पर, फिर वहाँ पर दूसरी खेती स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ इस तरह होती है यहाँ की झूम खेती। सो गाइस, अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इस घर में। तो इस घर में अभी हो रहा है रेशम के कीड़ों का पालन। तो यहाँ पर रेशम के जो कीड़े हैं उसको जो फूड कैसे बनाते हैं और क्या इसका प्रोसेस है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए मेरे साथ। तो गाइस जी, यहाँ पर ये हैं रेशम के कीड़े, जो इनको पत्ते खिलाए जाते हैं
और उसके बाद इनको ने दबा के बोरी में, तो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। चाहो उसके बाद दो तीन चार दिन के बाद इसको पका के खाया जाता है। सो गाइस, ये था ये यहाँ जो रेशम के कीड़े का जो प्रोसेस था, तो ये था। और अभी हम जस्ट पास में ही घर है तो वहाँ पे आएगी, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह यहाँ पर करते हैं जो सुअर का पालन। ये सुअर का छोटा सा घर बना रखा है इन्होंने लकड़ियों से। तो कैसा है? अच्छा है? तो ये था गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।